के अणु इस प्रकार से होते हैं कि वे विद्युत द्विध्रुव के निकाय की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे HCl, HBr, H2O, इत्यादि और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। ये किसी पदार्थ का जो ये अणु है, ये ऐसे व्यवहार करते हैं बिल्कुल जैसे दो समान प्रकृति के, जो समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश जो है अत्यल्प दूरी पर स्थित हों, तो ये बिल्कुल विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं। यानी ये विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण माने जा सकते हैं। HCl विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है, HBr भी विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है, HBr ये भी विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। ये कैसे विद्युत द्विध्रुव बनते हैं? देखो, कोई भी जो अणु बनता है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बनता है, और किसी भी अणु के पास धनावेश के रूप में नाभिक होते हैं और ऋणावेश के रूप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब कोई अणु इस प्रकार से बनता है कि उसमें उसके जो धनावेश हैं वो एक ओर शिफ्ट हो जाते हैं और ऋणावेश एक ओर शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसी में हमारा H प्लस और Cl माइनस, देखिए यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का जो एक अणु है वो भी एक विद्युत द्विध्रुव है। इसमें एक ओर धनावेश और एक ओर ऋणावेश शिफ्ट हो जाता है। इनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन देने की है, इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन लेने की है। ये एक इलेक्ट्रॉन देता है धनायनित हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है ऋणायनित बन जाता है। इस प्रकार से इन दोनों पर समान आवेश आ जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं? एक विद्युत द्विध्रुव बना देते हैं। और भी इस तरह के HBr के बारे में, H2O भी एक विद्युत द्विध्रुव है। किस तरह का? देख लीजिए, H प्लस माइनस, ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है। यदि इन आवेशों के बीच की जो दूरी है अत्यल्प दूरी, यदि हम कितनी लें, 2L लेते हैं। 2L इसलिए क्योंकि आगे कैलकुलेशन की दृष्टि से आपको ये सरल होने वाला है। हम L भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आगे समझ में आएगा कि इनके बीच की दूरी हमने 2L क्यों ली। इसलिए हमने ये दो आवेश जिनके परिमाण समान है लेकिन प्रकृति इनकी भिन्न है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। तो एक भौतिक राशि है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है? इसको हम इसे व्यक्त करते हैं, एक सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? किसी भी विद्युत द्विध्रुव के आवेश तथा द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों में से किसी भी एक आवेश का परिमाण, किसी भी ये जो विद्युत द्विध्रुव बनाने वाले जो आवेश हैं, इनमें से किसी आवेश का एक परिमाण, मान लिया चाहे क्यू ये ले लीजिए, प्रकृति पर नहीं आएगा, हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं। परिमाण में इसका भी उतना ही है, इसका भी उतना ही, भले ही दोनों की प्रकृति एक की धनावेश है दूसरे की क्या है? ऋणावेश है। तो विद्युत द्विध्रुव बनाने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की जो अल्प जो दूरी है कितनी है, देख लीजिए इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। इसका जो गुणनफल होता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हम P से व्यक्त करते हैं, ये एक सदिश राशि होती है। इसका सूत्र आ जाता है P बराबर Q इंटू 2L, इसको हम 2QL के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसकी दिशा जैसा कि स्पष्ट है, इसकी दिशा जो है एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, इसकी दिशा हमेशा द्विध्रुव को मिलाने वाली जो अक्ष है, द्विध्रुव बनाने वाली जो ये रेखा है, यही इसकी अक्ष कहलाती है। इस अक्ष की अनुदेश ऋणावेश से धनावेश की होती है, इधर ये है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, ठीक है ना। इसका विद्युत क्षेत्र के बढ़ाओ क्या थोड़ा